बरकाकाना पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन द्वारा बरकाकाना स्टेशन का विस्तार करते हुए नई बरकाकाना अवाइडिंग स्टेशन का निर्माण कराया गया। इस स्टेशन के निर्माण होने से ग्रामीण क्षेत्रों का जहां विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जबकि क्षेत्र के बेरोजगार के लिए कई तरह के रोजगार उपलब्ध हो पाएगी। नई स्टेशन के निर्माण के संबंध में जानकारों द्वारा बताया गया कि LID कंपनी के द्वारा लगभग 99 करोड़ की लागत से पतरातू से अरगड्डा तक रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण व बरकाकाना अवाइडिंग स्टेशन का निर्माण कराया गया है। स्टेशन का निर्माण पूरी हो जाने के बाद क्षेत्र के लोगों और अधिकारियों का CRS होने का इंतजार है। CRS होने के उपरांत स्टेशन का संचालन शुरू हो जाएगा। स्टेशन निर्माण के साथ ही यात्रियों का आवागमन व अन्य वाहनों की परिचालन के लिए सड़क निर्माण कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। स्टेशन का शुरुआत होने को लेकर ग्रामीणों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्टेशन का उद्घाटन होने के बाद ग्रामीणों को कई तरह की रोजगार उपलब्ध हो पाएगी। जहाँ एक और चर्चा है कि 4 अगस्त को CRS होने की संभावना है। 4 अगस्त को CRS हो जाती है तो केवल स्टेशन का विधिवत उद्घाटन करने का काम शेष रह जाएगा। बरकाकाना स्टेशन प्रबंधक PK गांगुली से इस स्टेशन पर होने वाली सवारी गाड़ी और सुपर फास्ट एक्सप्रेस के ठहराव के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि अब तक किसी भी तरह का कोई भी अधिकारी सूचना नहीं मिल पाई है। बरकाकाना अवेडिंग स्टेशन पर किन किन गाड़ियों के ठहराव कराया जाएगा। स्टेशन के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद रेल अधिकारी व ग्रामीणों में स्टेशन का शुरुआत होने का इंतजार है। ज्ञात हो कि रेलवे के विभिन्न तरह के कार्यों को पूरा किए जाने के बाद सुरक्षा से संबंधित जांच CRS द्वारा किया जाता है। जांच रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपा जाता है, जिसके बाद रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही परिचालन संभव हो पाती है।